मिशन 2023 में अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी से ही आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसे महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस यहीं से चलता है, यहीं की वसूली से। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने से चूक नहीं रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के हाल ही में दिए गए एक बयान से सूबे की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अजय चंद्राकर ने बीते दिनों हुए बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस पर वसूली का बड़ा आरोप लगाया है। ये एक्सटॉर्शन धमतरी की पहचान है, पूरा कांग्रेस धमतरी, प्रदेश कांग्रेस यहीं से चलता है, यहीं की वसूली से। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के आरोप को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता के आरोप में कोई दम नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, अजय चंद्राकर जी का बोलना ये गलत है। अगर उनको जानकारी होगी कौन वसूल करता है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। उनको जानकारी होगा कौन वसूली करता है। हम लोगों को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है ना, हमारे लोग ऐसा कोई, हम लोग वसूली करने के बाद में विश्वास नहीं करते, उन लोग करते हैं विश्वास, इसलिए उन लोग बार बार ये बात करते। विधानसभा चुनाव को 1.5 साल का समय बचा हुआ है, ऐसे में अभी से ही राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना कहां तक जायज है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का सबूत भी देना चाहिए। धमतरी से सूरज साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।